ये कार्यक्रम जो आयोजन किया 12 जून 2010 को जागतिक दृष्टि दिन का जो कार्यक्रम किया इनके लिए मैं मेरा बधाई है इनके मेरे को बुलाने के लिए यहाँ अध्यक्ष पद पर बिठाने के लिए मेरा धन्यवाद है। आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ महात्मा ज्योतिबा फुले टैलेंट रिसर्च अकेडमी का अध्यक्ष चंद्रभवन भोयर साहब और ये ब्लड बैंक साईनाथ ब्लड बैंक का गणेश खंडेलवाल जी और अशोक मानकर जी XMLC और SQ जामा जी हमारे पुराना मित्र और बड़े भाई कई साल हम उनके साथ हम दोनों मिलके विदर्भ प्रोडक्टिव काउंसिल में काम किए। बाकी अन्य बंधु मित्र जो यहाँ उपस्थित है जागतिक दृष्टि दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। यूनाइटेड नेशंस ने अलग अलग दिन के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग समस्या के लिए जागतिक दिन मनाना एक रेजोल्यूशन पास किए थे। इस हिसाब से समय समय पर अलग अलग दिन आते गया। आज 365 डेज कम पड़ रहे जो समस्या हिंदुस्तान में या दुनिया में जितने समस्या है उसके लिए अलग अलग दिन मनाया जा रहा। आज की यूरोप में आज के दिन में जिस तरफ से देश है करीब 100 साल पहले उसी हिसाब से देश नहीं थे क्योंकि उस समय अलग अलग स्वरूप में देश था क्योंकि बाद में जो परिवर्तन आया देशों का स्वरूप और उनका नक्शा बदल गया। जैसा आज हिंदुस्तान में देख रहे महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जैसा राज्य है वही 50 साल पहले ये राज्य इस राज्य का नक्शा इस रूप में नहीं था। इसी हिसाब से यूरोप की नक्शा देशों के नक्शा अलग अलग थे। उस समय ये हेलन किलर जो लेडी है ये पैदा होते ही काफी बीमार थी। ये बड़े हो गए उनको सोचने लग गए मैं ये बीमारी से क्या क्या कर सकती हूँ तो मैं लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ। तब उन्होंने निर्णय लिया एक बार सड़क से जाते हुए अंधा को देखते हुए तो इनके लिए काम करना चाहिए इनका बहुत तकलीफ है करके निर्णय लिया। तो अंधों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। तो ब्रेली जो लैंग्वेज है उनको उस समय को सब इकट्ठा करके ब्रेली लैंग्वेज को उन्होंने आगे बढ़ाया और अंधों के लिए ब्रेली लैंग्वेज को डेवलप किया। जो साईनाथ ब्लड बैंक और महात्मा फुले टैलेंट रिसर्च अकेडमी दोनों मिलकर आज ये जो दो दिन मना रहे इनके लिए मेरा शुभकामना है। और ये जो है ये दिन मनाना अने आज यहाँ 50 लोग जमा हुए ये 50 लोग जो है अपने 500 लोगों को ये मैसेज पहुंचाएंगे 500, 5000 और 5 लाख तक मैसेज पहुंच जाएगा। ये छोटा सा कार्यक्रम होने के बाद भी इसकी जो कीमत है बहुत आगे बढ़ेगी। ये जो कार्यक्रम का स्वरूप स्वभाव छोटा होने के बाद भी इसकी जो मैसेज है बहुत लोगों के बीच में जाएगी। और ये दिन मनाना जैसा आज देखिए अलग अलग डेज लेकिन काफी दिन पॉपुलर नहीं रहते जैसे वैलेंटाइंस डे पॉपुलर है क्योंकि कॉर्पोरेट संस्था उसके पीछे है और कॉर्पोरेट संस्था वैलेंटाइंस डे को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जागतिक दृष्टि दिन यानी वर्ल्ड विजन डे 12 जून को कितने लोगों को मालूम है। एक कारण ये है कि जो समस्या है उसके लिए कॉर्पोरेट संस्था को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है सिर्फ बिजनेस जिसमें मिलता है उसमें इनको इंटरेस्ट है। तो एक मेरे को ये दृष्टि के बारे में जब याद आता है लोगों को मैक्सिमम लोगों को दृष्टि रहना यानी अंधा नहीं रहना ये जो एक सिद्धांत है इसके पीछे है ये दिन मनाने का यानी मैक्सिमम लोग दृष्टि रहना चाहिए ना अंधा नहीं रहना चाहिए। जो अंधे लोग हैं उन लोगों में मैक्सिमम लोगों को दृष्टि मिलना चाहिए यानी एक आदमी अगर मरते समय या मरने के बाद 24 घंटे के अंदर अगर अपना आईज जो है उसे अंधा नहीं रहेगा। तो इस हिसाब से मैं एक बार एक मेरे को इसके पीछे में कहानी याद आता है जब दिल्ली में एक बार गए थे हम एक कार्यक्रम में मेरे साथ में एक डॉक्टर था क्वालिफाइड डॉक्टर उनको मैंने कहा कि टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन आई रिसर्च फाउंडेशन वाले एक फॉर्म भरवा रहे अपने आईज डोनेट करेंगे घर पे। उन्होंने कहा मूर्ति साहब वो फॉर्म मत भरा करो इस जन्म में आप अगर अपना आईज डोनेट करोगे अगले जन्म में अंधा करके पैदा होंगे ऐसा करके कहानी है इसलिए डोनेट नहीं करना चाहिए। ये देख के मेरे को हंसी आ गई कि अगले जन्म की बात बारे में बाद में सोचेंगे पर इस जन्म में जो अपने सामने जो अंधा लोग है उनको अपन दृष्टि देना चाहिए इसलिए मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ करके मैंने कहा था। ये बोल के मैं मेरा ये दो शब्द समाप्त करता हूँ कि आप लोगों को ये कहना है अपना अपना आई डोनेट करे और अंधे लोगों को दृष्टि दिलाने के लिए अपन जुड़ेंगे करके धन्यवाद।